झटके मिल रहे हैं ना, जो मेहुल भाई ब्रेक लगा रहे ना, सच में कह रहा हूँ, उतर के मैंने इसकी ब्रेक लगा देनी है 2 मिनट के अंदर। गाड़ी टच हुई जाके, थोड़ी ब्रेक बजी, गाड़ी बजी वहां जाके, अब मुझे ये नहीं पता कि गाड़ी बजी किसके साथ है, अब नीचे बजी कि ऊपर बजी है, किस तरह गाड़ी आ रही है। सो मैं वहां से देखता जा रहा हूँ कि गाड़ी जैसे पास में आ रही है, ओ तेरी आई टूट गई रस्सी फाइनली, अब क्या करें। उठ के बाहर आए, सो देख रहे हो भाई कितने मैंगो वेस्ट हो रहे हैं यार, चूहे वगैरह ना सारे खा रहे हैं, तो ऊपर से खा के ना नीचे गिराते हैं, और पता नहीं कौन खाता कौन नहीं खाता, बट ये ना खा पी के ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, देख रहे हो, और हमें नसीब ही नहीं हो रहे यार। तो चाचू ये की लो, चाबी ले लो, कहाँ जाना है, घूमने जाना है। आपने जामुन वगैरह भी पढ़ चुके हैं भाई, सो जिसने भी जामुन वगैरह खाने हो ना, तो यहाँ से जामुन आप ले जा सकते हो, देख लो कितने जामुन वेस्ट हो रहे हैं, फिलहाल अभी थोड़े बहुत नीचे गिरे हुए हैं, तो वो देख लो सामने कितने जामुन वेस्ट हो रहे हैं यार। सो अभी थोड़े देखते हैं, अगर ऊपर चढ़ पाऊँगा सो ऊपर से जामुन लेके आता हूँ, तो कुछ खाते पीते हैं यार। Assalamualaikum, कैसे हो आप सब, तो आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, वेलकम मेरे न्यू वीडियो पे, आप सबका मैं आपका दोस्त सादिक मलिक। सो टाइम हो रहा है इस टाइम देख रहे हो 3:45, अभी आई थी मुझे कॉल फ्रेंड्स वगैरह की, सो आफू भाई का ना कुछ टायर का लोचा पड़ गया, सो आफू भाई चले गए टायर का चेंज करवाने, फैजल भाई अपने घर पे हैं, इब्राहिम भाई चले गए किश्तवाड़ में, सो सारी टीम अपनी कहीं पे बिजी है, कोई गेम बिजी है, तो मुझे जाना है सिद्धरा वाली साइड में। अब कुछ छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता अभी फिलहाल, तो जाता हूँ पहले वहाँ पे, देखता हूँ कि हुआ क्या है, देन उसके बाद ही फिर आपसे डिस्कस करूँगा कि भाई फाइनली हुआ क्या है। भाई खुद क्लियर नहीं पता कि भाई बात क्या हुई है, मुझे इतना पता लगा भाई सिद्धरा में आ जाओ तो कुछ मसला हुआ है, तो लेट्स सी क्या हुआ क्या नहीं। आई होप सो कि मैं दुआ करूंगा कि सब ठीक ही हो, तो जाके देखते हैं भाई फिलहाल हुआ क्या भाई। भाई साहब ये मजा होता है अपनी थार का, सामने देख रहे हो वो जो आपको ग्रीन कलर के डोर देख रहे हैं, 4x4 लगा हुआ आज, सो 4x4 क्यों लगा देख रहे हो, पीछे देख रहे हो तुम, आए खाए भाई मेहुल भाई की थार ठुक गई भाई, और ठुकी कैसे वो फिलहाल नहीं पता, तो फिलहाल इतना पता कि मेहुल भाई की थार ठुकी है। सो इस वाली जगह पे ना अभी 4x4 डाल के गाड़ी बिल्कुल आराम से जा रही है, तो अभी सेकंड गियर में गाड़ी देख रहे हो तुम भाई, कोई दिक्कत ही नहीं गाड़ी को यार। एक ही चीज होने वाली है कि 4x4 में ना आपको एवरेज चार्ज की मिल जाएगी, बट ये है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला, क्या बोलूं यार, थार जब ठुकती है ना भाई, जब मॉडिफाइड क्रीज चीज ठुकती है ना भाई, सो सच में कह रहा हूँ बड़ा दुख होता है यार। सो मेहुल भाई के इस टाइम मुझे पता है क्या गुजर रही होगी, सो टोचन हुआ अभी गाड़ी को, तो चलते हैं अभी सीधा आगे, अभी जाएंगे सीधा महिंद्रा के शोरूम में, गाड़ी को वहीं लगाएंगे और मेहुल भाई को छोड़ेंगे घर पे, क्योंकि रिएक्शन ऐसे मिल रहे हैं ना जैसे गाड़ी ना ठुकी हो, पता नहीं क्या ठुक गया हो यार, खोल खोल के ना गाड़ी के अंदर तक घुस के देख रहे हैं यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई, पता नहीं क्या दिक्कत होगी, ऐसे लग रहा है पता नहीं हम कौन सा काम कर रहे हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, कुछ नहीं बोल सकते इस टाइम, क्योंकि हमारे हालात नहीं इस टाइम बोलने वाले, जब इंसान के हालात खराब होते हैं ना तब इंसान बोलने के लायक बिल्कुल नहीं होता है। तेरी जो बीच बीच में झटके मिल रहे हैं ना, जो मेहुल भाई ब्रेक लगा रहे हैं ना, सच में कह रहा हूँ उतर के मैंने इसकी ब्रेक लगा देनी है 2 मिनट के अंदर, पता क्या कर रहा है कमीना, तेज जैसे चलती है ना भाई, देख रहे देखो अभी तो बिल्कुल पास आई ना गाड़ी, देखा अभी ब्रेक लगाएगा, सो लेट हो रहे हैं काफी ज्यादा, वो देख रहे हो तुम गाड़ी की हालत, देखो यार ये देख रहे हो, सो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि गाड़ी की हालत कैसी हो चुकी है यार। उस टाइम मैंने ना थार देख के ना थोड़ा कंफ्यूज जैसा हो गया था, तो मैंने ये बनाई नहीं यार, क्लिप ही नहीं बनाई, तो भाई फिलहाल अभी देख रहे हो टोचन हुई है अपनी 4x4 के साथ, तो भाई फिलहाल देख रहे हो गाड़ी का सब कुछ चला गया, ये आप देख रहे हो कि भाई फ्रंट से लेके पूरी ग्रिल तो बची नहीं भाई, इसके आगे एक बोनट बहुत सा बड़ा बोनट था वो भी चला गया, देन उसके बाद इसके ना अंदर रेगुलेटर पूरा फट चुका है, हम टोचन करके ला रहे हैं, रस्सा देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो 4 बार तो रस्सा टूट गया भाई, क्योंकि इसका गैप जो है ना वो कवर नहीं हो पा रहा हमसे, तो जब भी कहीं थोड़ा सा गैप पड़ता ना तो भाई ये फिर टूट जाता, अभी देखो थोड़ा सा बचा ये, तो थोड़ा सा हम अभी फिलहाल हैं नरवाल वाले थोड़े से एरिया से पीछे हैं भाई, तो इसलिए अब फिर से बांधेंगे नहीं इसको, अब फिलहाल कुछ इस तरह से रहने देते हैं इसको, तो भाई मैं कंपनी में चलता हूँ फिर दिखाता हूँ कि गाड़ी का टुकड़ा क्या क्या टूटा और नुकसान कितना है और खर्चा कितना है। सो भाई अभी फिलहाल थोड़ा सा ना गाड़ी टच हुई जाके, थोड़ी ब्रेक बजी, गाड़ी बजी वहाँ जाके, अब मुझे ये नहीं पता कि गाड़ी बजी किसके साथ है, अब नीचे बजी कि ऊपर बजी है, अब कोई मेरे भी पानी वानी लीक होता है मुझे पता चलता है कहाँ बजी है यार, या टायर के साथ बजी है, कोई पता नहीं कहाँ बजी है, तो फिलहाल भाई ओ तेरी भाई धूम बनाने जा रहा है क्या, तो फिलहाल भाई चलते हैं आगे कंपनी में, जाके वहीं कंपनी में दिखाते हैं कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, तो लस्सी क्या दिखाते हैं कंपनी में सीधा, आई टूट गई रस्सी फाइनली, अब क्या करें समझ लग रही भाई, सो अब थोड़ी रस्सी खोलते हैं वहाँ से, तो फिलहाल कुछ ही दूर तक है वहाँ तक, तो अभी फिलहाल खोल के ना ये निकाल देते हैं, सो वो वाली चीज़ रस्सी बांधते हैं यार, फटती बन देगी पता तुम्हें सिटी में आके, पता क्यों फटती है,
क्योंकि आपको ना कब ब्रेक मारनी पड़े ये खुद ही नहीं पता होता। पीछे ना ये वाली गाड़ी की ना ब्रेक बज रही है ना कुछ, तो भाई गाड़ी ना ऐसे ही अपने जोर पे चल रही है भाई, हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रही और ब्रेक तो पहले ही काम नहीं कर रही। पीछे देख रहे हो बिल्कुल तार आराम आराम से आ रही है, तो भाई क्या बोलूं क्या हो रहा है यार। रस्से बांध बांध के ना बुरी हालत होगी, मैं आपको दिखाऊंगा रस्से कितनी जगह टूटा हुआ, एक रस्ता ना तीन जगह टूटे हुए हैं, तीन जगह से जैसे टूट गया अभी फिर बांध के फिर लेके जा रहे हैं। सो रस्सा हमारे पास था कमजोर सा ही था, तो बट ये है कि फिर वो वहीं से परचेज करना पड़ा, तो इसलिए ना काम ही नहीं कर रहा था। अभी फिलहाल देखते हैं भाई कि अगर कंपनी में जाके पता नहीं क्या आंसर मिलेगा, अब वो जाके कंपनी में पता चलेगा। भाई वेब के पास है इसका महिंद्रा का शोरूम, तो वहां तक पहुंचे आराम से, देन उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या यार, किसी का नुकसान ना हो भाई, हमारे साथ ठुक जाए कोई दिक्कत नहीं। भाई मेरे साथ एक दो बार बजी गाड़ी यार बड़ी पुठे तरीके से, तो मैं कह रहा हूँ हमारा नुकसान होने कोई दिक्कत नहीं, भाई किसी के साथ ही गाड़ी बजनी चाहिए, किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए यार। किस तरह गाड़ी आ रही है, तो मैं वहां से देखता जा रहा हूँ कि गाड़ी जैसे पास में आ रही है रेस थोड़ी सी दे रहा हूँ तो गाना ओ तेरी 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 भाई देख रहे हो। ओ माय गॉड, सो टायर के नीचे फंस गई भाई। इस तरह मैंने सोचा था ना गाड़ी आराम से आ जाएगी कसम से, ओहो इससे अच्छा हमने वो कर लिया होती ना मशीन कर ली होती ना तो सबसे बेस्ट था। तो भाई बड़ा मुश्किल से बड़ी मुश्किल से पहुंची है गाड़ी यार। ओफ, सो आज के बाद कभी टोचन की नहीं सोचेंगे भाई, आवाज कैसे आ रही है क्योंकि टायर के साथ ना वो लग रहा है मार गार्ड लग रहा है तभी आवाज इतनी ज्यादा आ रही है। सो फिलहाल अभी पहुंचे तो यहाँ तक, उसके बाद ही देखते हैं भाई बात करते हैं इनसे यार। तो भाई साहब आ चुके महिंद्रा शोरूम में, यहाँ मिल चुका है हमें करारा जवाब क्योंकि ये थार फुली मॉडिफाइड है भाई, फुली मॉडिफाइड बोलते हैं कि सस्पेंशन लेके सब कुछ ए टू जेड चेंज हो गया, बॉनेट से लेके आप किसी हद तक चले जाओ ना सब कुछ चेंज है। सो उन्होंने बता दिया कि भैया कहीं और चले जाओ, ये गाड़ी का काम यहाँ पे नहीं होगा। आप सोच रहे हो यार ये क्यों बोल रहे हैं, कंपनी वाले का काम है गाड़ी का काम करना, ये क्यों बोल रहे हैं भाई, दिक्कत पता है क्या चक्कर है भाई। जब ये पुरानी थार है और इसमें पुरानी थार में ना जो चीजें आती थी ना वो अब एक तो टाइम लगे आने में, देन उसके बाद ना इसमें जो चीजें पुरानी थार में सब कुछ चेंज हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि इसमें डलने नहीं वाला कुछ भी। तो भाई इससे काम करो कि जहां पे आपने मॉडिफाई करवाई है ना सो वहां चला जाओ, मॉडिफाई हुई है पंजाब में सो पंजाब कहां लेके जाएंगे इसको। तो फिलहाल देखते हैं भाई अभी किसी और जगह पता करते हैं कि इसका काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो भी ले जाएंगे पंजाब में, तो लेट्स सी क्या होता है यार। तो भाई वीडियो तो एंड हो चुकी है, अपनी थार मजनू ठुक चुकी है पूरी, सो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है अभी फिलहाल, उसको ठीक करवाने के लिए जाना पड़ेगा, देन उसके बाद मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे ठीक होगी। अब उसको वहाँ से शिफ्ट करेंगे कि किसी और जगह पे जहाँ पे वो मॉडिफाई हुई थी, या तो बैकयार्ड कस्टम में जाएंगे या तो फिर किसी और जगह, तो देखते हैं लास्ट कि अभी वो कल क्या होगा वहाँ से। उन्होंने तो फिलहाल बोल दिया है कि भाई वो यहाँ पे ठीक नहीं होगी। अब टाइम आ चुका है भाई नाम लेने का, सो पहले नाम लेते हैं देन उसको बता दूंगी अच्छा कमेंट किसने किया नाम लेने का, उनका नाम ले तो पहले भाई। तो फर्स्ट बॉय राजपूत बॉय, इन्होंने कहा था नाम लेने के लिए, देन उसके बाद अपने आगे सो अपने एक सजाद खान है, सो उन्होंने बोला था कि भाई क्यूट गर्ल का ट्रेंडिंग चल रहा है, सो आप भी क्यूट गर्ल के लिए भाई वीडियो बनाओ। सो नीचे एक कमेंट आया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई इनकी वाइफ है, सो भाई सच में मैं क्यूट गर्ल नहीं बनाऊंगा, मैं क्यूट वाइफ बनाऊंगा, मैं रहूँगा कि क्यूट वाइफ ने मांगी लिफ्ट, क्यूट वाइफ ने करवाया घर पे काम, कुछ ऐसा वाला ट्रेंड बनाने वाला हूँ। देन उसके बाद अपने बताते भाई निजामुल हक नाम लेने के लिए भाई ने बोला था, भाई ले लिया अपने, मैंने द उर्दू का नाम लिया था भाई, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे चैनल का नाम लेना, तो भाई का नाम ले रहा हूँ मैं द उर्दू एडिट 23, तो इन्होंने कहा था भाई। सो एक बार अपने बॉस वक्कार गेमिंग, इन्होंने कहा था कि मेरे को शॉर्ट आउट दे देना, तो मैंने दे दिया भाई। अपने वाहिद चौधरी है, इन्होंने कहा था कि भाई अगर आपने मेरा नाम, सो भाई अगर अगली वीडियो में आपने मेरा नाम नहीं लिया सो देखना, सो मैं डर गया भाई, तो मैंने आपका नाम ले लिया, सॉरी भाई गलती होगी, मैं आपका नाम लेना भूल गया था, सो मैंने आपका नाम ले लिया। सो उसके बाद अपने हैं आमिर अंसारी व्लॉग, सो इनका चैनल है, सो इन्होंने कहा था नाम लेने के लिए। तो फिलहाल इतने ही इस बार, इतने ही, नेक्स्ट टाइम और लेंगे, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेकिन करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।